नमस्कार दोस्तों, रचना की रसोई में एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ साबूदाना वड़ा, जो कि आपको खाने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। और इसकी ये खासियत है, अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी वो ऑयली नहीं लगेगा, क्योंकि साबूदाना वड़ा तो सभी बनाते हैं जनरली, लेकिन उनका या तो वो कड़क हो जाता है या फिर उसमें ऑयल नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिए, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसके लिए जो जो मैंने सामग्री ली है वो मैंने ली है रेड चिली, नमक, सेंधा नमक उपवास में खाने के लिए जो लिया जाता है, ग्रीन चिली जो मैंने एकदम फाइन चॉप करी है, 2 से 3 ग्रीन चिली ली है, हाफ नींबू, और पटेटो लिए हैं मैंने बॉयल पटेटो जो कि 2 लिए हैं मैंने मीडियम साइज के, और उसी के साथ मैंने जो लिया है वो है 2 कटोरी साबूदाना। साबूदाने को आपको 6 से 7 घंटे थोड़ा इसको गला के रखना है, अगर आप गलाओगे नहीं तो फिर ये चिपकेंगे। ये देखिए जैसे बिल्कुल एकदम दाने, एक एक दाना अलग हो गया है इसका, तो ये उसी तरीके से अच्छे से बनेंगे। और इसके साथ मैंने बाइंडिंग के लिए लिया है इसमें सिंग दाने का चूरा, मूंगफली के दाने भी बोलते हैं जिनको, उनको मैंने पहले सेक लिया है। सेकने के बाद पूरा उसका छिलका निकाल के और फिर मिक्सर में उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसमें ले रही हूँ एक बड़ी प्लेट में या बाउल में, आप किसी में भी इसको ले सकते हैं सबको मिक्स करने के लिए। मैंने सबसे पहले इसमें लिए हैं पटेटो, इनको थोड़ा अच्छे से कर लिया। और तब तक आप अपना अगर गैस ऑन कर देंगे, जो मैंने कढ़ाई में तलने के लिए तेल लिया था उसका गैस मैं ऑन कर देती हूँ, उसको सिम पे रखा है मैंने, इसको थोड़ा सा मिला के अब मैं इसमें मिला रही हूँ। ये देखिए आपको साबूदाना बिल्कुल एक एक अलग अलग साबूदाना दिखेगा, क्योंकि आप पूरा उसको पहले से गला देंगे तभी होगा, आप तुरंत बनाना चाहेंगे तो ये नहीं बनेगा। अब इसमें जो तीसरी चीज है वो मैं मिला रही हूँ, मूंगफली के दाने का पाउडर, सिंग दाने का चूरा। ये मैंने जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 2 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए थे, उसके साथ मैंने 2 कटोरी साबूदाना गलाया था, और उसके साथ ये मैं ले रही हूँ 1 कटोरी सिंग दाने का पाउडर। ये इसका मेजरमेंट रहेगा, तो जिससे ये आपको अच्छे से बना पाएंगे आप इसे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली, 3 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको आप डाल सकते हैं। नमक मैंने लिया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसमें एकदम फाइन चॉप ग्रीन चिली ली है। ग्रीन चिली अगर आप फाइन चॉप नहीं करेंगे तो वो आपको तलने में भी तेल में निकल जाएगी और फिर वो जल जाएगी बाहर रहेगी, तो वो इसलिए उसका टेस्ट बराबर नहीं आ पाएगा। और मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 नींबू, ये देखिए इस तरीके से आप इसको मिलाइए। लेकिन इसको मिलाते समय आपको ज्यादा हाथों को थोड़े हल्के हाथ से ही मिलाना है, एकदम आपको ज्यादा आप दबा दबा के मिलाएंगे तो पानी छूटने लगेगा और फिर वो ठीक से बनेंगे नहीं, और फिर वो तलने में भी वो फट सकते हैं। इसको तलने में वो फटे नहीं, इसके लिए आपको बाइंडिंग का जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है। बाइंडिंग के लिए हमने इसमें 2 चीज मिलाई है, आलू मिलाए हैं उबले हुए, और 1 मिलाया हमने सिंग दाने का चूरा, उससे ये बाइंडिंग से अच्छे बनते हैं। अभी आप देखिएगा जब मैं इनको तल के आपको दिखाती हूँ तो कितने फूले हुए बनेंगे ये, और इसमें ऑयल बहुत कम आता है, अगर वो फूल जाते हैं तो ऑयल नहीं आता है। उसके लिए आपको यही करना होगा कि आपको साबूदाने 6 से 7 घंटे पहले गला के रखना होगा, ऐसे एक एक अलग दाना अलग होना चाहिए, और मिलाने में भी आप इसको हल्के हाथ से मिलाइए। अगर आप इसको ऐसे दबा दबा के मिलाते हैं तो फिर वो नहीं बन पाएंगे ठीक से। देखिए ये पूरी तरह से मिल चुका है, अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना है आपको इसको। इसके लिए आप लेंगे ऐसा छोटा सा, थोड़ा सा हाथ में लीजिए इस तरीके से, और फिर इसको हल्के हाथ से यहां से ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आप छोटी छोटी इसकी टिक्की जैसा आप इसको बना सकते हैं।
ऐसे ही हम ये जो हमारा सारा मटेरियल है उसका हम इसको इस तरीके से बना लेंगे। तब तक हमने गैस भी ऑन कर दिया है, तेल थोड़ा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको तेज कर देते हैं। लेकिन इसको तलने के लिए ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप इसको तलेंगे। देखिए जो मेरा मेजरमेंट था उसके उनसे जो बने हैं, ये बने हैं मेरे करीबन 18 से 19 बड़े बन गए हैं, और इनको मैंने ऐसा थोड़ा चपटा शेप दिया है, ऐसे थोड़ा चपटा करके उनको बनाया है, एकदम बॉल जैसा नहीं बनाया है। बॉल जैसा बनाने से उसमें ऑयल भी ज्यादा होता है और अंदर से थोड़े वो कच्चे भी लगते हैं, इसलिए अब मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये अब तेल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ बड़े। इसको तलने के समय जो सावधानी रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इनको आपको सबको एक साथ नहीं तलना है, थोड़े थोड़े एक एक दो दो करके ही इनको आपको तलना है। अगर आप एक क्या करेंगे, अगर आप 3-4 साथ में डाल देंगे तो वो खुल जाते हैं तेल में, वो ठीक से फ्राई नहीं हो पाते हैं, और फिर वो पूरा तेल भी बिगड़ता है और फिर उनमें ऑयल हो जाता है। और एकदम से इसको डालते से हिलाना भी नहीं। और अभी आप देखिए गैस भी मैंने एकदम सिम पे रखा है। एक बार तेल अच्छे से गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद फिर इसको सिम कर दीजिए, और इस तरीके से आप इसको धीरे धीरे हिलाइए जिससे ये फूटेंगे नहीं। नहीं तो क्या होता है, साबुदाने में जैसे पानी लगता है तो एकदम से वो तेल में उसका उड़ने का भी डर रहता है, फूट जाते हैं साबुदाने, तो वो नहीं होगा। अब ये देखिए ये हिल रहा है, अब मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया। इसी तरीके से मैं अपने सारे बड़े तल लूंगी। मैंने दो बना लिए हैं, अब मैं और डाल दूँ। इसको जब हम डालेंगे तब आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका गैस जो है वो सिम पर रहे, तेल गर्म रहेगा लेकिन आपको सिम पर रखना है, और थोड़ा देर इसको ऐसे ही सिम पर रहने देना, उसके बाद आपको इसको फास्ट करना है। ऐसे हिलाइए धीरे धीरे, फिर जब हम इसको एक बार टर्न कर लेते हैं, टर्न करने के बाद फिर आपको इसको गैस को तेज कर देना है। बस साबुदाना वड़ा में यही चीज है दोस्तों, अगर आप तलने का इसका और साबुदाने गलने का आप बराबर ध्यान रखते हैं तो एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं साबुदाने। ये देखिए अब मैंने इसको टर्न कर दिया, अब मैं गैस को फास्ट कर देती हूँ। लीजिए दोस्तों ये तैयार है। ये देखिए मैंने इनको एक बाउल में सर्विंग के लिए रखा है। आप इसे हरी चटनी या दही या जिससे भी आप खाना चाहे खा सकते हैं। वैसे हमारे घर में तो इसको ऐसे ही खाना पसंद करते हैं सभी, ग्रीन चिली के साथ। मैंने इसे